ओके बेटे, सो क्लोनिंग के प्रोसेस जो कि थर्ड सर्विस है बायोलॉजी की, इससे पहले आपने दो पढ़ी कि आप फूड की प्रोडक्शन किस तरह से एनहांस कर सकते हैं, सेकंड आपने पढ़ी कि आप किसी भी डिजीज को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये थर्ड सर्विस है कि किस तरह से आप कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो कि आपको अच्छा लगता है उसकी सेम कॉपी किस तरह से बना सकते हो, वो आप क्लोनिंग के प्रोसीजर में पढ़ेंगे। ओके, अब जो हम कह रहे हैं कि क्लोनिंग के प्रोसीजर में आपने कॉपीज बनानी हैं, रेप्लिकास बनाने हैं, तो ये कॉपी बेटे किसी भी सेल की भी हो सकती है या किसी पूरे के पूरे इंडिविजुअल की भी हो सकती है। इंडिविजुअल मीन्स कि इसमें पूरा कोई प्लांट आ सकता है, कोई पूरा एनिमल आ सकता है, या कोई भी ऐसा पूरा इंडिविजुअल जो कि करेक्टर्स में अच्छा है और आप उसकी कॉपी बना रहे हैं। ओके, सो क्लोनिंग के प्रोसीजर में आपका ये आइडिया क्लियर होना चाहिए कि आपने किसी भी इंडिविजुअल की, पूरे के पूरे इंडिविजुअल की कॉपी बनानी है। अब ये कॉपी किसी एक पूरे सेल की भी हो सकती है या फिर किसी पूरे इंडिविजुअल की भी हो सकती है। ओके, सो ये कॉपीज हमने यहाँ पे लिखा, और इसके अलावा इसके जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग है, अब ये एसेक्सुअल क्या है? जब भी आप रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन दो तरह की बेटे होती है। फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपको पहले बता चुकी हूँ, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें मैटिंग के प्रोसेस के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने बेबीज प्रोड्यूस करते हैं या अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो डिफरेंट सेक्सेस इन्वॉल्व होती हैं। सेक्सेस मीन्स के इसमें मेल और फीमेल मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, इन दोनों की मैटिंग के बाद एक नया बेबी प्रोड्यूस होता है। इट मीन्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट मेंबर्स कंबाइन करके एक बेबी प्रोड्यूस करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है कि एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्दर अपनी जनरेशन को इंक्रीज करवाता है, ये किसी और मेंबर की, स्पीशीज के मेंबर्स की हेल्प नहीं लेता। ओके, अब यहाँ पे जब हम क्लोनिंग का प्रोसीजर पढ़ रहे हैं तो हमने स्पेशली ए सेक्शुअल प्रोसीजर को ही क्यों डिस्कस किया है, हमने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी क्यों नहीं किया? सेक्शुअल प्रोसीजर में दो डिफरेंट मेंबर्स इन्वॉल्व हैं। इट मीन्स के एक जो डीएनए है वो इस फीमेल का है और एक डीएनए इस मेल का है। फीमेल और मेल के जो डीएनए हैं ये दोनों कंबाइन करके, मिक्स करके एक नया बेबी प्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल इट मींस कि इनके अंदर जो बेबीज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी जो जीन्स हैं, उनके जो डीएनएस हैं, वो चेंज हो गए एज कंपेयर टू फादर एंड मदर। लेकिन इनके केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिकॉज ये वाला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये किसी और के साथ कंबाइन नहीं किया, इसका जो अपना डीएनए था इसने उसी की कॉपी बना के एक नया बेबी प्रोड्यूस कर दिया है, इसने इसकी मिक्सिंग नहीं की है किसी और मेंबर के साथ। तो यहाँ पर जो बेबीज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके जो डीएनए है, उनके जो जीन्स हैं वो सेम रहती हैं। जीन्स सेम रह रही हैं, इट मीन्स कि इनके करेक्टर्स सेम रह रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में बिकॉज जीन्स चेंज हो रहे हैं, इट मीन्स कि जो बेबी के करेक्टर्स हैं वो चेंज हैं एज कंपेयर टू मदर एंड फादर। ओके, सो क्लोनिंग के प्रोसीजर में आपने बोला कि इनके करेक्टर्स सेम रह रहे हैं बिकॉज वही जीन्स जो कि पेरेंट की थी वही चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर हो रही हैं। सो क्लोनिंग के प्रोसीजर में हमने बोला कि हमने कॉपीज बनानी है और ये कॉपीज बेटे आइडेंटिकल होती हैं। आइडेंटिकल मीन्स कि हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक की हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसकी क्लोनिंग की, और ये हमारा सेकेंड लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितनी इसकी हाइट होगी, जितना आईक्यू लेवल इसका होगा, जितना स्किन कलर जो इसका होगा, वो सेम आपकी कॉपी होके इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है। यहाँ पे क्लोनिंग के प्रोसीजर में हो रहा होता है और ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही पॉसिबल है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पॉसिबल नहीं है। एसेक्सुअल के थ्रू पॉसिबल क्यों है? बिकॉज एक ही सेल का डीएनए खुद को डुप्लीकेट करेगा, अपना कॉपी बनाएगा और अपना बेबी प्रोड्यूस करेगा। सेक्सुअल में दो डिफरेंट सेल्स, दो डिफरेंट डीएनए कंबाइन करके एक नया बेबी प्रोड्यूस करेंगे, उसके इसमें जीन्स चेंज हो जाएंगे। जीन्स चेंज हो जाएंगे तो इट मीन्स कि उनके करेक्टर्स भी चेंज हो जाएंगे। ओके, सो क्लोनिंग के प्रोसीजर में आपने आइडेंटिकल कॉपीज बनाई और आइडेंटिकल कॉपीज आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनानी है। ओके, अब यहां पे क्लोनिंग के प्रोसीजर को स्टडी करने के लिए
ये क्लोनिंग का प्रोसीजर तो हमने यहाँ लिख दिया कि कोई भी ऑफस्प्रिंग्स जो कि हम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें, ये सारी की सारी डेफिनेशन क्लोन की लिखी हुई है। क्लोन मीन्स कि कोई भी ऐसा सेल या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसे आप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवा रहे हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवा रहे हैं मीन्स आप उसका नंबर तो इंक्रीज कर रहे हो लेकिन आप उस डीएनए के अंदर, उस सेल के अंदर कोई चेंज नहीं लेके आ रहे, उसकी करेक्टर्स के अंदर कोई चेंज नहीं लेके आ रहे, आप एज सच उसे कॉपी कर रहे हैं। ओके, क्लोनिंग के प्रोसीजर को इंट्रोडक्शन के बाद इसका मेथड देख लेते हैं कि क्लोनिंग का प्रोसीजर किस तरह किया जाता है। ओके, क्लोनिंग के प्रोसीजर के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक जायगोट चाहिए होता है। और ये जायगोट क्या है? ओके, सो मेथड में हम देख लेते हैं, आपके यहाँ पे एक डोनर ऑर्गेनिज्म होगा और एक आपका एक्सेप्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। ये एक्सेप्टर बेसिकली वो मदर है जो कि कंसीव कर रही होती है। ओके, डोनर मीन्स कि आपका ये वो इंडिविजुअल है जिसके आप कॉपी बनाना चाह रहे हैं, जिसके करैक्टर्स आपको फैसिनेट करते हैं, जिसके करैक्टर्स आपको अच्छे लगते हैं, तो आपके पास यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए। ओके, अब ये वो मदर है जो कि वो कंसीव कर रही है। इस मदर की बॉडी के अंदर एक चीज बड़े याद रखिएगा इसको स्टडी करने से पहले, कि जब भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो ये सिंबल आप यूज करते हैं फीमेल के लिए और ये सिंबल आप यूज करते हैं मेल के लिए। जो फीमेल के सेक्स सेल्स होते हैं उन्हें आप एग कहते हो और जो मेल के सेक्स सेल्स होते हैं इन्हें आप स्पर्म कहते हैं। जब मेल और फीमेल की मैटिंग होती है तो एग और स्पर्म कंबाइन करने के बाद जो सेल बनाते हैं इसे आप जायगोट कहते हैं। ठीक है, मैटिंग के प्रोसेस के बाद जब ये दोनों सेल्स कंबाइन करते हैं तो जो नया सेल बनता है दोनों के फ्यूजन के बाद उसे आप जायगोट कहते हो। जायगोट अपना नंबर इंक्रीज करता है। यहाँ पे ये एक एग सेल है फॉर एग्जाम्पल और ये आपका एक स्पर्म सेल है, ये दोनों कंबाइन करके एक सेल बना रहे हैं। इस जायगोट को आप फर्टिलाइज्ड एग भी कहते हो। फर्टिलाइज्ड एग मीन्स कि जिसकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। फर्टिलाइजेशन हो चुकी है इट मीन्स के एग और स्पर्म दोनों कंबाइन कर चुके हैं, मैटिंग का प्रोसेस हो चुका है। ओके, सो इस जायगोट को या फिर फर्टिलाइज एग को अब यहाँ पे जो एक सेल है ये अपना नंबर इंक्रीज करना शुरू करता है, अपनी सेल्स का नंबर इंक्रीज करना शुरू करता है और जो अर्ली आपका बेबी डेवलप होता है, जो अर्ली स्टेज डेवलप होती है उसे आप एम्ब्रियो कहते हो। अब ये एम्ब्रियो खुद को चेंज करवाएगा, साइज इंक्रीज करवाएगा, अपने ऑर्गन्स की सिंथेसिस करवाएगा और एक बेबी प्रोड्यूस करता है। ओके, ये सारी चीजें आपको क्लोनिंग के प्रोसीजर से पहले पता होनी चाहिए कि फीमेल के सेक्स सेल्स को आप एग कहते हैं, मेल के सेक्स सेल्स को आप स्पर्म कहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो एग और स्पर्म कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद जायगोट बना देते हैं। अब ये जायगोट अपना नंबर इंक्रीज करेगा। जायगोट एक ही सेल है जो कि स्पर्म और एग के कंबाइन करने से बना है, इसे आप फर्टिलाइज एग भी कहते हैं। अब जब ये अपने नंबर इंक्रीज करेगा तो एम्ब्रियो बनेगा जिसके अंदर कुछ सेल स्टेज अपना नंबर इंक्रीज कर चुकी है। अब ये एम्ब्रियो अपने ऑर्गन्स की सिंथेसिस करेगा, खुद को डिफरेंशिएट करवाएगा और बेबी कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये सारी चीजें आपने याद रखनी है क्लोनिंग के प्रोसीजर को पढ़ने से पहले। ओके, अब यहाँ पे डोनर और एक्सेप्टर को हम स्टडी कर रहे थे। डोनर आपका कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके कैरेक्टर्स आपको फैसिनेट करते हैं और आप चाहते हैं कि जो नया बेबी प्रोड्यूस हो उसके कैरेक्टर्स ऐसा इसी के जैसे हों। अब ये वो मदर है जो कंसीव कर रही है। जैसे ही ये मदर कंसीव करेगी आपने
इसकी वॉर्म से जाइगोट को सेपरेट कर देना है। जाइगोट अब आपको पता है आप किसे कहते हो, एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपके पास फर्स्ट बेबी का जो सेल बनता है डेवलपमेंट में, उसे आप जाइगोट कहते हैं। ओके, एक सेक्टर मदर जो कंसीव कर रही है, ओके फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये एक जाइगोट ड्रॉ कर रहे हैं। जाइगोट अब आप सबको पता है फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग है इट मींस कि एग और स्पर्म जो दोनों फर्टिलाइज होने के बाद, फ्यूज होने के बाद जो नया उन्होंने सेल बनाया है बेबी की डिवेलपमेंट के लिए। ओके, ये मदर की बॉडी के अंदर अभी जाइगोट सिंथेसाइज हुआ है, अभी जाइगोट सिंथेसाइज हुआ है इट मींस कि एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। इसे मैं इरेज कर देती हूँ। ओके, सो अब ये मदर की बॉडी के अंदर एक जाइगोट उसकी वॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है, जाइगोट फर्टिलाइज्ड एग है। ओके, अब आपने क्या करना है कि अब आपको पता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के करैक्टर्स कौन कंट्रोल करता है, उसका डीएनए, और डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। अब फॉर एग्जांपल ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए प्लेस किया हुआ है, और डीएनए के अंदर सारी जीन्स हैं। जीन्स क्या है, वो सारे करैक्टर जो कि आगे जाके उसके बेबी के वो कंट्रोल करेगा। ओके, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो डोनर है इसके आपने कोई भी सोमैटिक सेल ले लेने हैं। ओके, अब बिकॉज सोमैटिक सेल आपको टर्म अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं की पहले लेक्चर्स में, तो यहाँ बता देती हूँ। सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स, दो सेल्स आपकी बॉडी के अंदर टर्म्स यूज की जाती हैं, सोमैटिक सेल एंड जर्म सेल। जर्म सेल्स बेटे वो सेल्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन करवाते हैं, और रिप्रोडक्शन कौन से सेल्स करवाते हैं, अगर हम मेल की बात करें तो मेल के अंदर कौन से होते हैं, स्पर्म, जैसे हमने पहले वाले में देखा स्पर्म, और फीमेल में कौन से होते हैं, एग। ओके, सो ये आपके जर्म सेल्स हैं। जर्म सेल्स मींस कि वो सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, जो कि जनरेशन इंक्रीज करवाने में हेल्प आउट करते हैं। वो फीमेल के अंदर एग है और मेल के अंदर स्पर्म है। ओके, अब इन जर्म सेल्स के अलावा हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बाकी सेल्स हैं, बाकी सेल्स मीन्स के जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उन्हें आप सोमैटिक सेल्स कहते हैं। वो स्किन के सेल्स हो सकते हैं, वो आई के सेल्स हो सकते हैं, वो ईयर के, हेयर के, बाकी जितने भी आपके सेल्स हैं वो सोमैटिक सेल्स में आएंगे, लेकिन वो सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन करवाते हैं वो मेल में स्पर्म और फीमेल में एग है। इन दो सेल्स के अलावा बाकी जितने भी सेल्स हैं वो आपके सोमैटिक सेल्स हैं। ओके, सो जो डोनर है उसका आपने कौन सा सेल लिया, सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल मीन्स कि वो सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करवा रहा, वो आपने एक सेल ले लिया। फॉर एग्जाम्पल ये आपका वो सेल है और ये उसके अंदर उसका न्यूक्लियस है जिसमें उसका ये डीएनए प्लेस किया हुआ है। डीएनए प्लेस किया हुआ इट मीन्स कि उसके सारे करैक्टर्स को कंट्रोल करने वाला जो डीएनए जीन्स का पैच है वो इसके अंदर है। ओके, अब आपने क्या करना है कि ये आपका डोनर ऑर्गेनिज्म है जिसके कैरेक्टर्स आपको अच्छे लगते हैं, आपको फैसिनेट करते हैं, आप चाहते हैं कि जो नया लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो उसके सारे कैरेक्टर्स इसी डोनर की तरह के हों। ओके, अब आपने क्या करना है कि मदर की वॉम से, वॉम वो प्लेस है जहाँ पे बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है। सो मदर की वॉम से आपने ये जाइगोट को निकाल लेना है। जाइगोट को निकालने के बाद फॉर एग्जाम्पल ये आपने जाइगोट निकाल लिया, तो जाइगोट निकालने के बाद इसे डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर लेते हैं सो डेट आपको अंडरस्टैंड करना इजी रहे। ये आपका सोमैटिक सेल है। ओके, सो मदर की फॉर्म से जाइगोट को सेपरेट किया, और सेपरेट करने के बाद आपने इसे ए न्यूक्लिएट कर देना है। ए न्यूक्लिएट मींस कि आपने इसका न्यूक्लियस रिमूव कर देना है। ओके, न्यूक्लियस रिमूव करने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा। न्यूक्लियस रिमूव कर दिया इट मींस कि मदर की बॉडी के अंदर जो बेबी डेवलप होने वाला था आपने उसकी सारी जीन्स निकाल दी हैं, आपने उसका न्यूक्लियस निकाल दिया इट मींस कि उसके अंदर डीएनए था वो भी निकल गया, डीएनए निकल गया इट मींस कि उसके अंदर जो जीन्स थी वो भी निकल गई हैं। ओके, अब ये जो आपका ए न्यूक्लिएटेड सेल है, इस ए न्यूक्लिएटेड सेल के अंदर आपने क्या करना है कि वो सोमैटिक सेल जो आपने डोनर से लिया हुआ था उसका न्यूक्लियस लेना है, और न्यूक्लियस लेने के बाद आपने इस जाइगोट के अंदर इम्प्लांट कर देना है इस तरह से,
ठीक है ओके, रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपका वो डॉलर जो के आपके करेक्टर्स आपको बहुत फैसिनेट करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास भी कोई ऐसा ही लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ये आपका वो डोनर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सेकेंड, ये मदर है जो कि कंसीव कर रही है और उसकी बॉडी के अंदर जब बेबी आपकी अपनी फर्स्ट फर्टिलाइज एग की स्टेज की फॉर्म में होगा तो आपने उसका जायगोट जो है उसे सेपरेट कर देना है। फर्टिलाइज जो एग है, जो जायगोट है मदर की वॉर्म के अंदर, अभी फर्टिलाइजेशन हुई है तो फर्टिलाइजेशन हुई है इट मीन्स कि स्पर्म और एग की फ्यूजन हुई है, इन दोनों को आपने सेपरेट कर लिया। ओके, जायगोट को आपने वॉर्म से निकाल लिया, निकालने के बाद आपने उसका न्यूक्लियस इसमें से रिमूव किया और इस न्यूक्लियस को आपने रिप्लेस किया किस न्यूक्लियस के साथ, डोनर के सोमैटिक सेल्स के साथ। सोमैटिक सेल्स का और जर्म सेल्स का डिफरेंस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आई होप कि आपको क्लियर होगा। ओके, सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस बेटे आपने यहाँ से निकाला और निकालने के बाद आपने जायगोट के अंदर इम्प्लांट करवा देना है, जायगोट के अंदर इम्प्लांट करवा देना है। अब ये जो आपका मोडिफाइड जायगोट है इसे दोबारा से आपने मदर की वॉम के अंदर इम्प्लांट कर देना है और मदर की वॉम वो जगह है जहां पे बेबी की डेवलपमेंट कंप्लीट होती है। ठीक हो गया? ओके, सो ये आपका क्लोनिंग का प्रोसीजर था। तो इसमें अब आप खुद ही जांच कर सकते हैं तो कि मदर की वॉम के अंदर जो बेबी अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करने के बाद प्रोड्यूस होगा उसके अंदर करैक्टर्स किसके होंगे, किसके करैक्टर्स होंगे, डोनर के। डोनर के करैक्टर्स क्यों होंगे, बिकॉज आपने उसका डीएनए यूज किया हुआ है, आपने सारे का सारा इस बेबी का अपना जो न्यूक्लियस था उसे रिमूव कर दिया था, आपने इसको रिप्लेस करवा दिया था डोनर के सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस से। अब ये जो आपके पास न्यूक्लियस है ये कम्बिनेशन है डोनर के जीन्स का, जीन्स का मीन्स के करेक्टर्स का। सो मदर की वॉम के अंदर जो आपका बेबी डिवेलप होगा, डिवेलपमेंट के बाद, बर्थ के बाद जो बेबी है उसके सारे करेक्टर्स डोनर के जैसे होंगे। करेक्टर्स क्यों इसके जैसे होंगे, बिकॉज आपने डीएनए जो था वो डोनर का यूज किया था, अपना बेबी का निकाल दिया था। ओके बेटे, ये आपका क्लोनिंग का प्रोसीजर।